बुद्धिजीवियों के बीच मैंने एक प्रश्न उपस्थित किया, भ्रष्टाचार का उद्गम कहां से होता है। प्रश्न सुनकर उनमें बहस छिड़ गई इस बात को लेकर कि उद्गम शब्द यहां गलत है। एक ने कहा भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहां है, ऐसा होना चाहिए। दूसरे ने तुरंत कहा गंगोत्री ऐसे पवित्र शब्द को भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनकी बहस में उद्गम शब्द गुम हो गया। अंत में बहस का परिणाम यह निकला कि इस प्रश्नवाचक वाक्य को ठीक से लिखकर लाया जाए। मैं समझ गया कि बुद्धिजीवियों को भ्रष्टाचार से ज्यादा चिंता वाक्य रचना पर थी। मैं वहां से उठकर घर की ओर आ रहा था, तब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं स्वयं ही बुद्धिजीवी क्यों न बन जाऊं। बस अभ्यास शुरू कर दिया। नाम, अपना नाम बुद्धि वर्ग में शरीक करना चाहता हूं। यहां वर्ग शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक नहीं किया है, कारण मेरी समझ में बुद्धिजीवियों में वर्ग भेद नहीं होता। यूं कहा जाए कि वर्ग होना भी नहीं चाहिए। वरअल बुद्धिजीवी होना था तो अभ्यास अनिवार्य था। सर्वप्रथम दो सफारी सूट बनवाए, चश्मे के फ्रेम को चेहरे पर फबने वाली बनवाई, अभ्यास शुरू हो गया। सबसे पहले अपने मित्र को पहचानने से मना कर दिया। वर्षों से परिचित मित्र को हमारे अंदर हुए परिवर्तन से आश्चर्य हुआ। वह पूछने लगा, क्या होगा यार, मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैंने कहा, किसी शिष्य व्यक्ति से बात करते समय यार शब्द का प्रयोग नहीं करते। यह सुन वह नाराज होकर चला गया और मैं खुश था कि अभ्यास ठीक चल रहा है। अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए अपनी टेबल पर 8-10 ख्यातनाम लेखकों की पुस्तकें रख दी। 3-4 तरह के समाचार पत्र मंगवाने लगा। जैसे किसी के आने की हर सुनाई देती, समाचार पत्र में पढ़ने लगता। आगंतुक के अंदर आने पर व्यस्तता के भाव चेहरे पर लाकर इशारे से उसको बैठने का कहता। आगंतुक के नमस्कार का जवाब गर्दन हिलाकर देता। वह बैठा रहता, मैं समाचार पत्र में आंखें गड़ाए रखता। जब उसका धैर्य समाप्त होने लगता तब उससे पूछता, आपका नाम, आप कौन, कैसे आना हुआ। वह अपना परिचय देता, उस समारोह के संदर्भ के साथ जिस समारोह में पहली बार अध्यक्षता करने गया था। उस उद्बोधन के समय श्रोताओं की तादाद देखकर मेरा गला सूखने लगा था, तब इसी आगंतुक ने पानी पिलाया था। आगंतुक बोला, सर आपको एक वैचारिक गोष्ठी की अध्यक्षता करनी है, इसलिए आमंत्रित करने आया हूँ। सर शब्द बुद्धिजीवियों को पसंद आता है। बुद्धिजी की मानसिकता से ग्रस्त जो प्रश्न पूछे जाते हैं पूछ लिए। समारोह के आयोजक कौन, कौन सी संस्था, श्रोता कितने आएंगे। आगंतुक कहता, इसकी चिंता आप न करें, निमंत्रण पत्र पर अध्यक्षता की जगह मेरा नाम छपा देखकर मैं आगंतुक को डांटता। मुझसे पूछे बगैर मेरा नाम कैसे छाप दिया। अगर भविष्य में मेरी सेवाएं चाहिए तो मुझसे पहले अनुमति लिया करो। आपने कार्यक्रम कब रखा है। 24 तारीख। 24 तारीख को मैं 4-5 बार दोहरा था। अब देखो, 24 तारीख को ही मुझे किसी बड़े समारोह की सदारत करनी है। चलो आपने मेरा नाम छाप ही दिया है तो मैं कोशिश करूंगा आने की। कार्यक्रम तो ठीक समय पर शुरू हो जाएगा ना। हाँ ठीक, 7 बजे शाम को मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मुझे पहले बुलवा लेना। आगंतुक सभी बातें स्वीकार कर चला जाता है। बुद्धिजीवी बनने के अभ्यास में मैं इतना व्यस्त हो गया कि पत्नी ने आवाज लगाई, चलो खाना तैयार है। मैं बुद्धिजीवी मानसिकता से ग्रस्त हो गया था। मैं पत्नी से पूछ बैठा, आप कौन, बिना पूर्व परिचय के खाने तक बात कैसे आ गई। खाना खाने बुलाना तो पहले पूछना था। वैसे मैं शाकाहारी हूँ, हाँ मांसाहारी भी चलता है, कारण मैं प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति हूँ। पत्नी ने डांटते हुए कहा, वो बेटू के पापा, होश में आओ, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। बड़े आए शाकाहारी मांसाहारी वाले, खाना खाकर राशन की दुकान से शक्कर लाना है। 2 माह से बच्चों की फीस नहीं भरी है, उसका इंतजाम करो। 3-4 समाचार पत्र लगवाएं, उन्हें बंद करो, बिल बढ़ रहा है। जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, उनमें अधिकांश हिंदी अंग्रेजी के डॉक्टर PhD होते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, ट्यूशन भी कर लेते हैं। इन दिनों ट्यूशन का धंधा जोरों पर है। आप कुल 10 जमात पास हो, आपसे मॉन्टेसरी के बच्चे भी नहीं पढ़ाए जाएंगे, अंग्रेजी तो आपको आती नहीं है, चले बुद्धिजीवी बनने। मैं पत्नी के इस व्यक्तियों को सुनकर मुझे यूं लगा कि मैं सिर्फ अभ्यास ही कर रहा था, पत्नी तो स्वयं बुद्धिजीवी है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.